So Bruno is getting warmed up. Tank bag यहाँ पे है, यहाँ पे top box है और काफी सामान आ चुका है मेरा. बहुत ज़्यादा सामान है. So दोस्तों ready हो चुके हैं. मानसी वॉट full gear, wow, leg pad, gloves, wow, बढ़िया. That's my gloves here. तो I hope आवाज जो है आज clear आएगी. मानसी कह रही है कि इतना ज़्यादा सेफ्टी गियर्स पहने के ऐसा लग रहा है जंग पे जा रहे हैं. हाँ, लेकिन बाइकिंग का ऐसा ही होता है. तो ये ट्रिप यहाँ पे 3660 है, इसको करेंगे ज़ीरो. ट्रिप ये हो चुकी है ज़ीरो. यहाँ से हम लोग का चालू है, ये घर है. सभी बजे हैं सुबह के एग्जैक्ट 6. दोस्तों अभी पहुंचे आरा. ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर हो चुका है. हम लोग यहाँ पहुंचे 7 बजे. अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर का राइड हो गया पहले आवर में. और हमें ब्रेकफास्ट किया. मानसी इज हैप्पी. और पहली बार दोस्तों आ रही है लॉन्ग राइड के लिए, तो शी इज सेटलिंग डाउन. तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं गुजरात में. वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया. मेरा नाम है रवि चंद्रन. दोस्तों आज के मज़ेदार टूर में हम लोग जा रहे हैं जयपुर. काफ़ी मज़ा आने वाला है टूर के अंदर. काफ़ी अच्छी राइडिंग होने वाली है. दोस्तों गुजरात में आपका स्वागत है. ये जो शॉप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग अभी चाय पीने वाले हैं. जब भी दोस्तों बाइक चलाते हैं थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे रेस्ट हो रहा है. मानसी की भी थोड़े लेग वेग स्ट्रेच कर रही है. काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड में. दोस्तों रास्ते यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी मज़ेदार रास्ते हैं. काफ़ी अच्छा स्पीड मेंटेन हो रहा है. वडोदरा जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है. काफ़ी अच्छे रोड्स है, काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए. वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है. लेफ्ट में आप देख सकते हो ये है एमजी हेक्टर की फैक्ट्री. यहाँ पे सारी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती है. ये है हालोल में, हालोल के थोड़ा पहले. काफ़ी बड़ा फैक्ट्री दिख रहा है. ये है मेन गेट यहाँ पे, यहाँ से एंट्री होती है. हम यहाँ नहीं जाने वाले हैं. तो दोस्तों अभी लिया है लंच ब्रेक. टाइम हुआ है 2:30 बजे है. टोटल हम लोगों ने 600 किलोमीटर के आसपास कर लिया है. तो 8.5 घंटे में 600 किलोमीटर नॉट बैड. बहुत अच्छा लगा. कटिया कटिया में सो के थोड़ा लेट के. खाना जब तक आता है तब तक थोड़ा रेस्ट करते हैं. मानसी आर यू टायर्ड? नॉट रियली, आई एम जस्ट आई डोंट वांट टू सिट. आई वांट टू टेक एनीथिंग. बैठ के पिछवाड़े की लग गई है. तो दोस्तों खाने में ऑर्डर किया बैगन का भरता, बाजरे की रोटी और छाछ. तो छाछ आ चुकी है, जिसे कहते हैं कच्ची बियर. कच्ची कच की बियर, कच्ची बियर, कच की बियर. वाह, संतुष्टि. बहुत जबरदस्त मसालो नाकी ने बनाई हुई है. ना मसालो एकदम मस्त है. अट्ले के ना जीरा मसाला है. वेरी गुड टेस्ट. जीरा मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है. ब्रेकफास्ट किया महाराष्ट्र में. लंच कर रहे हैं गुजरात में. अभी डिनर करेंगे राजस्थान में. वाह, वहाँ पे कटिया है, छाछ है, बैगन का भरता, बाजरे की रोटी, मजा नहीं लाइफ. खाओ अभी दबा के. अभी यहाँ से 150 किलोमीटर है उदयपुर. 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है. सोच रहे कि उदयपुर पहुँचे, उसके बाद में देखते हैं क्या प्लान बनता है. खाना हो चुका है, अभी निकलते हैं. आज का प्लान ये है कि उदयपुर हमें कोई भी हालत में पहुँचना है एंड होपफुली हम लोग पहुँच जाएंगे. रास्ता काफ़ी अच्छा है.
यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों काफी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन काफी बेहतरीन रोड ये बनाया है। तो अभी सनसेट होने वाला है दोस्तों। उदयपुर में आपका स्वागत है। उदयपुर में अभी यहाँ पे कॉफी ब्रेक लिया है, काफ़ी मज़ा आया राइड करने के लिए। अभी जो बजे है 5:30 शाम के, प्लान है नाथद्वारा पहुँचने का। शी इज लुकिंग लिटिल टायर्ड बट ठीक है, फर्स्ट राइड है, शी इज एंजॉइंग। दोस्तों अभी रेडी होके निकलते हैं नाथद्वारा के लिए। काफ़ी अच्छा राइड रहा है अभी तक का। होपफुली 45 मिनट्स में हम लोग नाथद्वारा पहुँच जाएंगे। किसी ने यहाँ पे रूम कर दिए बुक, यहाँ पे आज रात में हम लोग रुकने वाले हैं। दोस्तों ये है नाथद्वारा की गलियाँ, यहाँ पे चाट वाट, भांग और गरम दूध। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। सुबह के अभी बजे है 5:30 को दर्शन होंगे, दर्शन करके निकलना है जयपुर के लिए। तो रात में नाथद्वारा पहुंचे, छोटा सा कमरा वहां पे बुक किया, रेस्ट हो चुका था, खाली सोना ही था जा। तो रात में मस्त गाजर का हलवा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, मज़ा आ गया खा के और वापस आ गए और यहाँ पे सो गए। बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन जो गर्म गर्म पानी आया और जो मजा आया नहाने के लिए क्या बताओ। अभी निकलते हैं दर्शन के लिए। ये सारी दुकानें लग जाती है, वो नहीं खाएगा। वाह, चाय इन कुल्लड़। इतना सेटिस्फाइंग है ना कि चाय कुल्लड़ में पियो, मस्त। इसके अंदर मिंट डाला है, पुदीना पुदीना। सो दूसरे दिन में दोस्तों आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी निकले हैं जयपुर के लिए। अभी के बजे है 7:00, काफ़ी अंधेरा है लेकिन काफ़ी मज़ेदार वेदर है। यह है नाथद्वारा सिटी, काफ़ी अच्छा सिटी था। थैंक यू नाथद्वारा, काफ़ी अच्छा रूम भी था। एक ग्लव्स के अंदर थोड़ी हवा जा रही है, लेकिन उसको प्रॉपर करवा लेते हैं। हाथ देखो दोस्तों, काफ़ी फ्रोजन हो चुके हैं, हीटेड ग्रिप नहीं है ये बाइक में। मानसी के भी हाथ देखिए, काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन होके पूरे अकड़ से गए हैं। तो दोस्तों जयपुर में आपका स्वागत है। ये देखिए जो जयपुर का एक काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है, इसे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसे जो मेन जयपुर सिटी कहा जाता है। काफ़ी अच्छे रोड्स है, वाइडन रोड है। ये जो रोड का प्लानिंग है ये 100-150 साल पहले हुआ है। और शॉप्स देखो, एक जैसे शॉप्स और सारे शॉप्स के बोर्ड भी एक जैसे ही। काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। अभी दोस्तों फटाफट होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद में हमारा 2-3 एक्टिविटी भी है, तो वो भी आपको इसी वीडियो में देखने मिलेगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है जयपुर सिटी में। तो दोस्तों अभी मिलता हूँ डायरेक्टली आपको होटल के अंदर। होटल पहुँच चुके हैं, हम लोग रह रहे हैं फेयरमाउंट होटल में। काफ़ी ज़बरदस्त होटल है, बड़ा 5-स्टार होटल है। यहाँ पे रहेंगे, बैग रख दिए, अभी बाइक को नीचे पार्क करना है। पहले टॉप बॉक्स निकालते हैं। ये देखो थोड़ी दिक्कत हो रही है टॉप बॉक्स निकालने में, ये निकल गया। तो अभी टॉप बॉक्स को लॉक करके यहाँ रखते हैं और बाइक को नीचे पार्क करके आते हैं। तो होटल में आ चुके हैं। वाह, क्या रूम है। ये रहेगा हमारा शानदार बेड। मानसी, हाउ डिड यू लाइक द बेड? एंड दैट्स अ सोफा फॉर गेस्ट। वाह, क्या जबरदस्त। यहाँ पे भी वीडियो बनाने का मजा आ जाएगा। एक तो व्यू कैसा है, वाह बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ से, रूम से। बाथरूम चेक कर दिया, वाह
ये जकूजी, वाह वाह। यहाँ पे है शावर रूम, वाह 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 वाह। और यहाँ पे है WC, वेल डन। देखो अभी भी जैकेट में हूँ, वाह। एक बेसिन यहाँ पे, एक बेसिन दो दो, वाह वाह। दोस्तों एक कबर्ड यहाँ पे, दूसरा कबर्ड यहाँ पे, ये कबर्ड खाली बाइकिंग गियर्स के लिए। यहाँ पे हेलमेट, शूज और जैकेट, वेल डन, नाइस। सो बाइकर खुश हो जाता है उसके गियर्स के लिए अच्छी जगह मिल जाए तो। व्हाट से मानसी? यस, इट्स लुकिंग सो नाइस, सो परफेक्ट। वी शुड हैव सच अ क्लोजेट ना एट आवर होम। एक्चुअली में दोस्तों ये गिफ्ट मिला है, दे पतंग का बनाया हुआ है एंड दैट्स गेवर, सो ट्रेडिशनल राजस्थानी डिश। तो अभी मानसी घर पे बैठी है और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ एक्टिविटी करने के लिए। क्या क्या एक्टिविटी है देखते आगे। एक्चुअली बेल्ट घर पे भूल गया हूँ, तो देखो ये मानसी का बेल्ट पहना है। फैशन है भाई नया। अरे भैया किधर जा रहे हैं अपन? एडवेंचर पे किधर? लेकिन तो 20 किलोमीटर एडवेंचर करने जा रहे हैं थार के अंदर बैठ के, वाह वाह। एडवेंचर शुरू हो गया, मोदी साहब बैठे आगे। इसमें उतर के जाना है और ऐसे शूज है। देखो वो देखो वो देखो वो देखो कहाँ से गाड़ी आ रही है। दैट इज प्योर एडवेंचर। तो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। जा रहे हैं अभी ड्यून बैशिंग के लिए। भैया बोलते हैं पकड़ के कैमरा अंदर रखो। कैमरा अंदर रखेंगे तो काम कैसा होगा हमारा? कैमरा के चक्कर में आप मत गिर जाना। नहीं नहीं गिरेंगे, पक्का नहीं गिरेंगे। कैमरा के चक्कर में हम नहीं गिरेंगे भैया। जबरदस्त है, देखो धूल उड़ रही है। ठीक है चलता है, मजा आया। पैसा वसूल है, पैसा दे उड़ा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, देख रहा हूँ मांझा लूट रहे हैं। ये लगा है, लूट रहे लूट रहे, लूटो 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 लूटो। दोस्तों आए थे अभी थार में और जा रहे हैं आड़ी में। थैंक्स टू ऑल हमारे सिक्कर के भैया। थार में और जा रहे हैं आड़ी में, वाह। ये देखो आज का जो थीम है वो है एथनिक वेयर। और हमारे पाजी देखो यहाँ पे रेडी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में खूबसूरत सा एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू, बाय बाय।